देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करीबन 14 लाख की आबादी वाले करनाल जिले की सुरक्षा के लिए 11 पुलिस थानों में 1600 पुलिसकर्मी तैनात है। सीएम सिटी करनाल की सुरक्षा के लिए 1600 पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी केवल एक पुलिस अधीक्षक और 73 पुलिस अधिकारियों के हाथ में है, जिनकी सीएम सिटी करनाल के मुख्य चौक चौराहों पर क्राइम कंट्रोल रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था करने में मुख्य भूमिका है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। प्रदेश का विकासशील शहर करनाल में पुलिस फोर्स और संसाधन की कमी का भार उठा रहा है। अपराधी बखूबी इसका फायदा उठाकर पिछले कुछ समय से शहर और आसपास के इलाकों में लगातार छीना झपटी, चोरी, लूट, डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शहरवासियों के मन में असुरक्षा घर कर गई है। जब तक पुलिस किसी भी वारदात का एक मामला सुलझा दी, तब तक दूसरा मामला उनके लिए चुनौती बनकर सामने आ जाता। एक और सीएम मनोहर लाल जहां शहर को स्मार्ट बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी आबादी वाले करनाल जिले की सुरक्षा व्यवस्था को ग्रहण लगने के कारण शहर के स्मार्ट बनने के मायने भी फीके लगने लगे हैं। करनाल पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरैया ने बताया कि वैसे रिसोर्सेज तो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जितने भी हैं उनका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। पुलिस के पास शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए मैन पावर की कमी है, जिसके कारण सीएम सिटी होने के कारण पुलिस विभाग के कर्मचारियों की एक्स्ट्रा ड्यूटी रहती है और मैन पावर की वजह से शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन शहर में क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। देखिए रिसोर्सेज तो कभी भी पूरे नहीं होते, तो जितने हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके मैन पावर को और जो बाकी रिसोर्सेज को, ताकि जनता में एक तो सिक्योरिटी की एक फीलिंग रहे और जो मैन पावर का क्रंच है उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा है कि हम हर रोज़ 60-70 चालान जो है सीसीटीवी के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे ही रडार गन्स हैं, ऐसे ही ट्रैफिक में भी और जो है टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि उनको दिए जाएँ। मैन पावर की कमी है, आप 13-14 लाख की पॉपुलेशन है, करीब 1500-1600 के आसपास हमारे पास मुलाजिम है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस के अभाव में सीएम सिटी ही सुरक्षित नहीं, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के बाकी शहरों के सुरक्षित होने की गारंटी कौन ले सकता है। साथ ये सवाल भी है, अगर पुलिसकर्मी का इतना ही अभाव है तो सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, तो प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों की भर्ती क्यों नहीं करती? क्या बीजेपी सरकार शहर को सुरक्षित नहीं देखना चाहती? ऐसे ही सवाल तो बहुत है, लेकिन शायद इनका जवाब सरकार के पास भी नहीं है, तभी बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है।